बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और जिनमें युवाओं को यह समझाने की कोशिश की है कि वे अपने भविष्य को कैसे संवार सकते हैं। उसी क्रम में आज एक नया वीडियो बना रहे हैं, आप इंटरव्यू में सफलता कैसे प्राप्त करें, हाउ टू गेट सक्सेस इन एन इंटरव्यू प्रोसेस। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब भी कोई अभ्यर्थी या विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी कर जॉब की तलाश में बाहर निकलता है तो उसको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, या जब वह जॉब कर रहा होता है तो उसे जॉब बदलने के लिए अपने कॉम्पिटेंस के अनुसार जॉब प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया में आना पड़ता है। तो आइए आज आपको कुछ इसके मूल सूत्र बताते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। इस प्रक्रिया में सबसे पहला जो काम है वो है रिसर्च एंड प्रिपेयर इन एडवांस। जब भी आपको कोई इंटरव्यू कॉल आता है तो आपको क्या क्या रिसर्च करनी है और क्या क्या प्रिपरेशन एडवांस में करनी है, उसके मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूं। नंबर एक, जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया था उस जॉब डिस्क्रिप्शन को रिव्यू कीजिए कि क्या मेरी कॉम्पिटेंसी उस जॉब के साथ मैच करती है, तो मुझे किन किन कॉम्पिटेंसी पर बात करनी होगी। नंबर दो, उस जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड जितने डेटा हैं वह इकट्ठे कीजिए और अपने आप को तैयार कीजिए। नंबर तीन, जो कंपनी जिसमें वो पोजीशन निकली है, जहां आपको इंटरव्यू देना है, उस कंपनी के बारे में, उस एम्प्लॉयर के बारे में जानना, उसकी वैल्यू सिस्टम क्या है, उसका बिलीव सिस्टम क्या है, उसके इथिक्स क्या है, उस कंपनी की वर्क कल्चर क्या है, तो यह जानना पहले से बहुत आवश्यक है। इसके लिए या तो आप इंटरनेट पर जाकर चेक कर सकते हैं या आपके जो सोशल सर्किट में नेटवर्क है उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर चार है, आप इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या जो आपकी कॉम्पिटेंसी है वो जॉब से कितनी मैच करती है उसका तुलनात्मक अध्ययन करना और उस गैप को पूरे करने के लिए प्रिपरेशन करना आवश्यक है। नंबर पांच, जो आपसे इंटरव्यू में संभावित क्वेश्चंस है, जो प्रोबेबल क्वेश्चंस है, उनको आपको तैयार करके जाना है। जैसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए, टेल अस समथिंग अबाउट yourself। दूसरा क्वेश्चन है, डू योर स्वेट एनालिसिस, आप अपनी स्वेट एनालिसिस के बारे में थोड़ा विस्तार में चर्चा कीजिए। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली और एक सरल सभ्य भाषा में आना आवश्यक है। नंबर छह है, अपने ऑर्गेनाइज द डॉक्यूमेंट्स, जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, जो आपके डिग्रीज हैं, जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको, या जो टेस्टिमोनियल्स हैं उन सबको सिस्टम में लगाइए, जो वहां देखने लगे तो आप उनको आराम से दिखा सकें। नंबर नेक्स्ट है ट्रेवल अरेंजमेंट, कि आप कैसे जाएंगे और कब पहुंचेंगे, उस सब का टाइम शेड्यूल और सिस्टमेटिक अप्रोच होना बहुत जरूरी है। नंबर नेक्स्ट है सोशल मीडिया प्रोफाइल, जो आपका अपना सोशल मीडिया पर प्रोफाइल है, वह चाहे इंस्टाग्राम पर हो, चाहे लिंक्डइन पर हो, चाहे वो आपका फेसबुक पर हो, उस सबको अपडेट करना बहुत आवश्यक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका है ड्रेस कोड, कि मैं कौन से कपड़े कैसे पहन के जाऊंगा, इंटरव्यू में कौन सी ड्रेस ज्यादा फिट रहती है। आइए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है इंटरव्यू में वो है बी पोलाइट पंचुअल एंड बी प्रोफेशनल। पहले आपको एक तो ड्रेस सेंस, प्रोफेशनल का ड्रेस सेंस, यदि आप हिंदुस्तानी साड़ी पहनते हैं तो साड़ी पहनने का तरीका बिल्कुल सटीक होना चाहिए और साड़ी बहुत सोबर कलर की, मैक्सिमम वाइट या ऑफ वाइट कलर की साड़ी या उससे रिलेटेड जो आपके और लाइट कलर्स हैं उनको पहनना आवश्यक है, या जो कॉरपोरेट अटायर है आज की डेट में उसको पहनना, समय पर पहुंचना और प्रोफेशनल अप्रोच रखना, ये सब बहुत जरूरी है। अब प्रोफेशनल अप्रोच में क्या आता है, नंबर वन, सबसे पहले तो आप इंटरव्यू के टाइम से कम 15 मिनट पहले इंटरव्यू के कार्य स्थल पर पहुंचिए। नंबर दो, आप वहां जब पहुंचे तो आपके चेहरे पर ग्रेस हो और स्माइल होनी चाहिए, थकावट या एंजाइटी नहीं होनी चाहिए।
नंबर तीन, जब आप वहां किसी के साथ बात कर रहे हो तो प्लीज उनको इंटरप्ट मत करिएगा, पहले उनको बात करने दीजिएगा फिर अपनी बात कहिएगा। नंबर पांच, आपका ड्रेस कोड जो है वो सक्सेस जैसा नजर आना चाहिए, ऊटपटांग जैसा या कुछ ऐसा नहीं जो लोगों को आंखों में चुभता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वे ऑफ टॉकिंग एंड सिटिंग और स्टैंडिंग, आपके बैठने का तरीका, आपके खड़े होने का तरीका, आपके साथ लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका प्रोफेशनल, एक सकारात्मक सोच के साथ और एक अच्छे प्रोफेशनल की तरह होना आवश्यक है। नंबर तीन की बात करते हैं, टर्न ऑफ योर मोबाइल फोन। आप अपने मोबाइल फोन को 100% बंद कर दीजिए, आप किसी और मोड में मत डालिए। साइलेंट मोड में डालने से, कभी कुछ और मोड में डालने से कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो आप अपने मोबाइल को पूरी तरह ऑफ करिए, उसको या तो अपने बैग में या अपनी पॉकेट में रखिए, और किसी भी तरह से अपने आप को मोबाइल से इंटरप्शन अपने बिहेवियर में पैदा मन होने जाती है। और मोबाइल यदि बंद नहीं होता है तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, किसी की कॉल तो नहीं आएगी, बीच में डिस्टर्ब तो नहीं हो जाऊंगा, इसीलिए अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल कीजिए। तो बेहतर ये है कि आप अपने मोबाइल फोन को पूरी तरह स्विच ऑफ कर दीजिए। नंबर चार पर आता है, लिसन एंड डू नॉट टॉक टू मच। आपकी सुनने की क्षमता, लिसनिंग पावर बहुत अधिक होनी चाहिए और बोलना लिमिटेड होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। सुनने के लिए आपको तीन चीजों में बहुत ज्यादा, एक तो आपको अटेंटिव एंड केयरफुल रहना है, नंबर दो आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रोफेशनल रखनी है, नंबर तीन आपके क्वेश्चंस में क्लैरिटी और प्रॉम्प्टनेस आना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आप यदि ज्यादा बोलते हैं तो आप मिस अंडरस्टैंडिंग के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा बोलेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत बोल जाएंगे। उसके अतिरिक्त आप जो आपका बैड माउथिंग है अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर के बारे में और अपने पास्ट एम्प्लॉयर के बारे में, अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में, कभी भी कोई ऐसी बात मत कीजिए कि लोग आपको बैड माउथ की श्रेणी में ले जाए। नंबर पांच है कि आप कभी भी उन किसी भी लोगों को डिसरिगार्ड मत करिएगा, कि सबका रेस्पेक्ट करना, सबको सम्मान देना आपकी जिम्मेवारी है। यदि आप इंटरव्यू में सफलता पाना चाहते हो, साक्षात्कार में सफलता पाना चाहते हो, तो सबको सम्मान देना आपकी जिम्मेवारी है। नंबर सात पर आता है, टॉक क्लियरली कंसाइजली एंड टू द पॉइंट। आप जब बात करें तो उत्तर आपका स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, आपके उत्तर में ऑथेंटिसिटी झलकनी चाहिए। क्लैरिटी और ऑथेंटिसिटी लीड्स टूवर्ड सक्सेस। आप जो बात कहें उसमें आपका कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात है, डू नॉट यूज द पेट वर्ड्स। जो आपके पेट वर्ड्स होते हैं उनको मत यूज कीजिएगा। बी क्लियर, कंसाइज, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिस्टमेटिक एंड लास्ट में अवॉइड, जो आप कभी कभी से हाँ हम, इन चीजों को अवॉइड कीजिए, तो आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी निखर कर आएगी और आप अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से कह पाएंगे। नंबर पांचवा जो सबसे मेन मुद्दा है वो है, यूज एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। इंटरव्यू के टाइम में आपको अपनी भाषा पर नियंत्रण, अपने व्याकरण पर नियंत्रण, अपने जो शब्दों का चयन है उस पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। प्लीज डू नॉट यूज द स्लैंग लैंग्वेज। कोई भी अभद्र भाषा का शब्द गलती से भी ना आ जाए। नंबर दो, ओनली पोलाइट एंड आपकी लैंग्वेज जो है 100% पार्लियामेंट्री होनी चाहिए, सभ्य होनी चाहिए। आपके नम्रता के साथ पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज कीजिए।
3, अपनी भाषा में सम्मान, आदर और कम्युनिकेशन के हिसाब से क्लैरिटी यूज कीजिए। 5 है, कोई ऐसा शब्द मत यूज कीजिए जिसका डबल मीनिंग निकलता हो। आप कुछ कहना चाह रहे हो और सामने वाला इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर उसका मतलब कुछ और निकालना है। 7 है, आपकी भाषा मीठी और पावरफुल शब्दों के साथ सुसज्जित होनी चाहिए। यूज स्वीट एंड पावरफुल वर्ड्स ताकि आपका व्यक्तित्व, आपका कॉन्फिडेंट, आपकी कम्युनिकेशन पावर स्पष्ट नजर आए। 6 है, फोकस ऑन रिलीवेंट क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट्स। जब आप इंटरव्यू प्रोसेस में हो तो उस टाइम आप अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो रिलीवेंट क्वालिफिकेशन की बात कीजिए। आपके पास बहुत सारे डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स हो सकते हैं, तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सा सेट ऑफ स्किल चाहिए, कौन सी कॉम्पिटेंसी चाहिए, उनकी ही बात कीजिए। यदि आप अन्य क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो फंस जाएंगे। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं। 1, फोकस ऑन योर सब्जेक्ट एंड जॉब प्रोफाइल। आप अपने विषय पर केंद्रित रहें और जो जॉब प्रोफाइल है उससे संबंधित बात ही करें। 2, डिस्क्राइब योर क्वालिफिकेशन बाय एग्जांपल्स। आपकी आचार से, आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपके बातचीत करने से, आपके शब्दों के चयन से, आपकी वोकैबुलरी से, आपके बोलने के ढंग से, आपका सब्जेक्ट की नॉलेज और आपकी उन पर पकड़ नजर आनी चाहिए। 4, अवॉइड नेगेटिविटी ड्यूरिंग टॉकिंग। जब आप बात कर रहे हो तो कोई भी नकारात्मक शब्द या नेगेटिव वर्ड्स कहीं गलती से भी आपके बीच में ना आ जाए। 6, रिलेट योर सेट ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज विद योर जॉब रिक्वायर्ड। जो आपकी कॉम्पिटेंसी है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी स्किल सेट है, उसको आप जोड़ करके एक स्टोरी बना करके इंटरव्यू बोर्ड को समझाइए, तो वो भी आसानी से समझेंगे और आपको भी आसानी रहेगी। 6 है, पावर ऑफ गुड पॉजिटिव एंड सिंपल सेंटेंस ओनली। आप बहुत अच्छे से सुशोभित, सुसज्जित वर्ड छाटिए जो बहुत सिंपल हो लेकिन पावरफुल हो, पॉजिटिव मीनिंग रखते हो और बहुत सिंपल हो, छोटे हो, जिन बहुत सरल भाषा में हो, तो कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। कई बार इंटरव्यू में कंफ्यूजन हमारे अपॉर्चुनिटी को हमको मिस करा देता है। इसके अतिरिक्त 7वां जो मेन इश्यू है, आस्क क्वेश्चंस और सीक क्लैरिफिकेशंस। इंटरव्यू प्रोसेस में बहुत सारी बात आपको जानने में, समझने में या उनके कहने में गलती हो सकती है। ये ह्यूमन बिहेवियर है और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा बिहेवियर की, आपके सॉफ्ट स्किल की ही कॉम्पिटेंसी जज की जाती है। तो आप क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन पूछने की कला में आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। 1, आप आस्क क्वेश्चंस क्लियरली। आप जो प्रश्न पूछे उसमें स्पष्टता होनी चाहिए कि आप पूछना क्या चाहते हैं। 2, आपके क्वेश्चन कंपनी की वैल्यू से, कंपनी के सिस्टम से, कंपनी के इथिक्स से, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन से संबंधित होने चाहिए, कंपनी की वर्किंग के बारे में नहीं, कंपनी की नेगेटिविटी के बारे में नहीं होने चाहिए। 3 है, आस्क अबाउट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दीज पोजीशंस। आप ये पूछ सकते हैं कि मैं जिस पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने आया हूं उस पोजीशन से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आपको उनके फ्यूचर प्लान्स और अपनी पोजीशन पर ग्रोथ क्या हो सकती है, आपको अपना करियर पाथ नजर आ सकता है, तो आस्क द क्वेश्चन। आप अपने करियर पाथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। 5 पर आता है आपका, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी ग्रोथ को या आपके फ्यूचर प्लान्स को और कंपनी की फ्यूचर की ग्रोथ को आप पूछ सकते हैं। व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर नेक्स्ट 5 इयर्स और व्हाट
यू वॉन्ट टू सी इन नेक्स्ट 5 years, तो आप अगले 5 साल में ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो उनको भी लगेगा कि ये जो इंटरव्यूई है यह कंपनी को समझता है और कंपनी की ग्रोथ में भागीदार बनना चाहता है, पार्टनरिंग करना चाहता है, एंड ही वॉन्ट टू टेक सम रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो आप इन चीजों को क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग बहुत ऐसी चीजें पूछते हैं जिनका उन चीजों से या आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से कोई वास्ता नहीं होता है, तो वह आपको नेगेटिविटी की ओर ले जाता है। नंबर नेक्स्ट हेड पर आता है हमारा बी असर्टिव। इंटरव्यू प्रोसेस के बीच में आप असर्टिव रहिए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी तरह भी अपने ऊपर किसी के प्रभाव के आने की जरूरत नहीं है या किसी के प्रभाव में आने की जरूरत नहीं है। तो असर्टिव होने के लिए आपको 3 C पर काम करना बहुत जरूरी है। नंबर 1 कॉन्फिडेंस, एबिलिटी टू हैंडल द सिचुएशन। नंबर 2 क्लैरिटी इन थॉट, मींस क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, लोगों को समझने के लिए बात होना। नंबर 3 योर लैंग्वेज शुड बी कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड मींस यू डिलीवर इंफॉर्मेशन इन ए क्लियर अनकंट्रोल्ड मैनर। आप कहना क्या चाहते हैं उस पर आपका नियंत्रण नजर आना चाहिए। बहुत ज्यादा बहुत पेसिमिस्टिक और किसी और लैंग्वेज में जाने से कभी कभी आपका इंटरव्यू बोर्ड गलत मीनिंग निकाल लेता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी असर्टिवनेस को इन 3 C के साथ समझिए और असर्टिव रहिए। नंबर नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और स्पीक द राइट बॉडी लैंग्वेज। इंटरव्यू में आप कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे आप गेस्चर में हैं, कैसे पोस्चर में हैं, आपकी टोन कैसी है, आपका आई टोन कॉन्टैक्ट कैसा है, आपके फिजिकल एक्सप्रेशन कैसे हैं, आपके बॉडी मूवमेंट आपकी लैंग्वेज के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनको बड़े ध्यान से इंटरव्यू में ऑब्जर्व किया जाता है और ये आपकी पर्सनैलिटी के हिस्से माने जाते हैं। इसलिए आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करिए ताकि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड ऑफ माउथ के साथ मैच करनी चाहिए। और आज वर्तमान में ऐसा कहा जाता है कि हम 7% कम्युनिकेशन केवल वर्बल करते हैं, 38% वोकल लाइकिंग, आपकी टोन कैसी है, उसमें शब्दों का चयन कैसा है, इस बात से ऑटोमेटिकली मैसेज जाते हैं। आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप नेगेटिव सोचते हैं, आप स्लैंग वर्ड यूज करते हैं, आप रफ लैंग्वेज करते हैं, आप टफ यूज करते हैं, तो आपके जो शब्दों का चयन है, आपकी ग्रामर कैसी है, वह उस चीज में नजर आती है। तो यह 45% को कवर करती हैं दो चीजें, और 55% अकेली आपकी बॉडी लैंग्वेज या फेशियल लाइकिंग इंटरव्यू के दौरान कम्युनिकेट करती है। तो आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि आधे से भी अधिक आपकी बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यू के टाइम पर मायने रखती है, इसलिए आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में कमांड करना बहुत आवश्यक है, अपने गेस्चर पर, पोस्चर पर, टोन पर, आई कांटेक्ट पर, फिजिकल फेशियल एक्सप्रेशन पर और बॉडी मूवमेंट पर। तो आप इन चीजों पर अवश्य तैयारी कीजिए। नंबर 8 आता है बिहेवियर, बी रेडी फॉर बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यूज। आज बदलते परिवेश में बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यू का प्रचलन चला गया है कि लोग पहले स्किल लेते थे लेकिन अब सॉफ्ट स्किल को भी असेस करने लगे हैं, और सॉफ्ट स्किल असेस होती है, और 85% प्रॉब्लम वर्ल्ड में सॉफ्ट स्किल की वजह से ही, बिहेवियर की वजह से ही आती हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम्स केवल 15% हैं, 85% समस्याएं हमारे बिहेवियर की वजह से पैदा होती हैं। इसीलिए आदमी का इंटरव्यू में बिहेवियर असेस किया जाना सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी जिंदगी में
करीब 38 साल के करियर में बिहेवियर को बहुत अच्छी नजदीक से जांचा है, और मेरा भगवान की ऐसी कृपा रही है, मैंने जिसकी फाइल में जो बिहेवियर लिखा उसका फ्यूचर में वही बिहेवियर निकला है। दिस इज ए गॉड ग्रेस। मेरा एम्प्लॉयर सदैव इस बात के लिए मानता था। तो आप उस टाइम पर अपने बिहेवियर को कैसे मैनेज करते हैं, उसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स देता हूं। नंबर वन, आप किस तरह की सिचुएशन वहां पैदा करते हैं। नंबर टू, किस तरह से टास्क लेते हैं, एक्शन क्या करते हैं और उसका रिजल्ट डिलीवरी में क्या देते हैं। ये सारी चीजें आपके बीबी बिहेवियर को, बिहेवियर बेस्ड बीबीआई को डेवलप करती हैं। नंबर टू, आपको समझना होगा कि मेरी कॉम्पिटेंसीज मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ कौन कौन सी मैच करती हैं, मैं उनको कैसे वहां एग्जिबिट करूं, कैसे प्रदर्शित करूं। जैसे कुछ काम में टीम वर्क, आज की डेट में कहीं अकेला काम नहीं होता है, तो टीम वर्क की कॉम्पिटेंसी आपकी आपके बिहेवियर में कैसे नजर आए, डिसीजन मेकिंग आपके बिहेवियर से कैसे नजर आए, रेस्पेक्टफुलनेस आपके बिहेवियर से, कमिटमेंट आपके बिहेवियर से कैसे नजर आए, क्लाइंट फेसिंग स्किल, ड्रिवली शेड्यूल, एडेप्टेबिलिटी टू लर्न, लर्निंग एजिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, अडियरेंस टू वैल्यूज एंड इथिक्स, एंड मोटिवेशन फॉर सेल्फ एंड अदर्स। ये कुछ ऐसी बिहेवियर्स हैं जो हर काम में लगते हैं, तो आप इनको इंटरव्यू के टाइम में कैसे एग्जिबिट करते हैं, आपका सिलेक्शन इन सब बातों पर बहुत निर्भर करता है। मैंने बहुत सारे और वीडियो बनाए हैं, आप उनको देखकर अपने पीबी बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यू सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। यहां हम आपको केवल इतना ही समझा सक पाएंगे। नंबर 11वां आता है आपका, रैप अप एंड एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट। आपके जितने टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, जितने सॉफ्ट क्वेश्चंस हैं, वो जब सब खत्म हो जाएं, आपको लगे कि अब रैप अप करने का वक्त आ गया है, तो आप रैप अप कैसे करेंगे, वह भी एक स्किल है, वह एक आर्ट भी है। नंबर वन, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, सिस्टम्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं। जैसे नंबर वन, आस्क अबाउट नेक्स्ट स्टेप, सर आगे क्या कर सकते हैं। नंबर टू, शो योर ग्रेटिट्यूड, आपने मुझे बुलाया, मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। एंड सेइंग गुड बाय, जब खत्म हो गया तो एक दूसरे के चेहरे देखने की आवश्यकता नहीं है, मुस्कुराते हुए चेहरे से, एसर्टिव बॉडी लैंग्वेज से, अपने शाही अंदाज में, फुल कॉन्फिडेंस के साथ गुड बाय कहिए और आगे चलिए। नंबर 12 जो अंतिम हिस्सा है इस प्रोसेस का, वो है क्लोज विद पॉजिटिव नोट। जब आप बाहर निकल रहे हो, आपने सब कुछ कह दिया, निकलने लगे हो, तो आपको कुछ दो तीन चीजें मैं आपको टिप्स देना चाहता हूं जो आपके इंटरव्यू में आपको बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बना देंगे। नंबर वन, जाते वक्त से थैंक यू और आस्क फॉर बिजनेस कार्ड, मे आई हैव योर बिजनेस कार्ड प्लीज, जरूर मांगिएगा। नंबर टू, इंप्रेसिव वर्ड, निकलते हुए कुछ अपने इंप्रेसिव वर्ड उनके साथ छोड़िएगा, ताकि उनके दिमाग में आपकी एक इमेज बने। तो जो इमेज बिल्डिंग वर्ड्स हैं वो आप कुछ सेलेक्ट करके और ये पॉजिटिव नोट के लिए अपने साथ रखिए। नंबर तीन है, गो आउट पोलाइटली विद स्माइलिंग फेस, जब आप बाहर निकलें तो बहुत तेजी से नहीं, और हंसते हुए स्माइलिंग फेस के साथ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलें। मैं ऐसा मानता हूं कि ये प्रोसेस आपको इंटरव्यू में 100% सक्सेस दिलाएगी, और आपके जो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस है या जो सब्जेक्ट की नॉलेज है, वह आप अपने अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार रैप अप कर देता हूं। नंबर वन, रिसर्च एंड प्रिपेयर इन एडवांस। नंबर टू, आप एक बहुत ही सभ्य, बिल्कुल निश्चित समय पर चलने वाले एक प्रोफेशनल की तरह से बिहेव करें, अपना मोबाइल बंद रखें, अधिक सुने कम बोलें,
अपनी भाषा में बिल्कुल नपे तुले एप्रोप्रिएट वर्डों का अपनी एप्रोप्रिएट भाषा का प्रयोग करें, सब्जेक्ट पर फोकस करें और सब्जेक्ट के हिसाब से ही जो इनकी रिक्वायरमेंट है फुलफिल करें। क्लैरिटी के लिए या जो मैंने आपको बीच में बताया वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बी असर्टिव, बहुत ज्यादा पैसिव ऑप्टिमिस्टिक या किसी और मोड में जाने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 9 है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और स्पीक द राइट बॉडी लैंग्वेज, यह बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी से डर नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंट, चेहरे पर कमिटमेंट, लोगों के रेस्पेक्ट, स्माइल दिखना बहुत जरूरी है। नंबर 10, आप जो बिहेवियर बेस्ड है, जो आपका कम्युनिकेशन, जो आपकी और लैंग्वेजेज हैं, उन चीजों को आपका जो टीम वर्क है, डिसीजन मेकिंग है, रेस्पेक्ट है, क्लाइंट फेसिंग स्किल है, डिलीवरी है, लर्निंग एजिलिटी है, वह अडियरेंस टू द वैल्यू एंड इथिक्स है, वो इंटरव्यू के प्रोसेस में नजर आनी चाहिए। नंबर 11 है रैप अप एंड एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट। मैंने आपको समझाया कि आप उसको शो योर ग्रेटिट्यूड, से गुड बाय, आस्क अबाउट द नेक्स्ट स्टेप और लास्ट में क्लोज ऑन ए पॉजिटिव नोट। मीटिंग को स्माइलिंग फेस के साथ, बड़े इंप्रेसिव वर्ड के साथ, किसी क्लोजिंग नोट के साथ बंद कीजिए और कमरे से या इंटरव्यू बोर्ड के सामने से आप दूसरी जगह चले जाइए। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, मुझे सुनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।